स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में बॉलीवुड के फेमस प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर नासिर हुसैन सर जी के फिल्मी करियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद हमारी कोशिश आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नासिर हुसैन सर जी बॉलीवुड के फेमस एक्टर आमिर खान सर जी के चाचा जी हैं। इनकी टॉप मूवीज में रही हैं बहारों के सपने, यादों की बारात और हम किसी से कम नहीं और कारवां। इनका पूरा नाम मोहम्मद नासिर हुसैन खान है और इनका जन्म 16 नवंबर 1926 को हुआ और इनकी डेथ 13 मार्च सन 2002 को मुंबई महाराष्ट्र में हुई। इनके डायरेक्शन में बनने वाली सबसे पहली मूवी आई थी सन 1957 में तुमसा नहीं देखा। इसमें शम्मी कपूर, अमिता, अंजलि देवी और प्राण लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी 1959 में आई थी दिल दे के देखो, इसका डायरेक्शन नासिर हुसैन ने किया था। इसमें शम्मी कपूर, आशा पारेख, राज मेहरा, राजेंद्र नाथ थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी 1961 में आई थी जब प्यार किसी से होता है, इसका प्रोडक्शन डायरेक्शन नासिर हुसैन ने किया था। इसमें देवानंद, आशा पारेख, प्राण थे। इस मूवी का बजट 42 लाख था। भारत में कमाई 90 लाख की हुई और दुनिया में 1 करोड़ 70 लाख की कमाई बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। अगली मूवी 1963 में आई थी फिर दही दिल लाया हूँ, इसको डायरेक्ट किया था नासिर हुसैन ने। इसमें जॉय मुखर्जी, आशा पारेख, वीना प्राण थे। इस मूवी का बजट 35 लाख था। भारत में 1 करोड़ 50 लाख की कमाई की, दुनिया में 2 करोड़ 85 लाख की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। अगली मूवी 1967 में आई थी बहारों के सपने, इसका भी प्रोडक्शन डायरेक्शन नासिर हुसैन ने किया था। इसमें राजेश खन्ना, आशा पारेख, प्रेमनाथ, मदनपुरी लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट करार दिया गया। अगली मूवी 1969 में आई थी प्यार का मौसम, इसका भी प्रोडक्शन डायरेक्शन नासिर हुसैन ने किया था। इसमें शशि कपूर, आशा पारेख, निरूपा राय, भरत भूषण थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1971 में आई थी कारवां, इसका डायरेक्शन नासिर हुसैन जी ने किया था। इसमें जितेंद्र, आशा पारेख, अरुण ईरानी थे। इस मूवी का बजट था 80 लाख रुपए। भारत में 1 करोड़ 80 लाख की कमाई की, दुनिया में 3 करोड़ 75 लाख की कमाई की बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। अगली मूवी 1973 में आई थी यादों की बारात, इसको डायरेक्ट किया था नासिर हुसैन ने। इसमें धर्मेंद्र, जीनत अमान, नीतू सिंह, विजय अरोरा लीड कास्ट में थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ रुपए था। भारत में कमाई की 2 करोड़ 75 लाख की, दुनिया में 5 करोड़ 25 लाख की कमाई की और बॉक्स ऑफिस से सुपरहिट करार दिया गया। अगली मूवी 1973 में आई थी आंगन, इसका डायरेक्शन नासिर हुसैन ने किया था। इसमें देव मुखर्जी, फरीदा जलाल, इंद्राणी मुखर्जी, नासिर हुसैन लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1977 में आई थी हम किसी से कम नहीं, इसका प्रोडक्शन डायरेक्शन नासिर हुसैन ने किया था। इसमें ऋषि कपूर, जीना तमान, ओम पुरी, अमजद खान थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 20 लाख था। भारत में 4 करोड़ 20 लाख की कमाई की, दुनिया में 8 करोड़ 50 लाख की कमाई की और सुपरहिट रही। अगली मूवी 1981 में आई थी जमाने को दिखाना, इसका प्रोडक्शन डायरेक्शन नासिर हुसैन ने किया था। इसमें ऋषि कपूर, पद्मिनी कोल्हापुरे, कादर खान, अमजद खान थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1984 में मंजिल मंजिल, इसको डायरेक्ट किया था नासिर हुसैन, प्रोड्यूस किया था नासिर हुसैन ने। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी सन 1985 में जबरदस्त, इसको डायरेक्ट किया था नासिर हुसैन ने। इसमें सनी देओल, जया प्रदा, तनुजा, संजीव कुमार, अमरीश पुरी लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी सन 1988 में कयामत से कयामत तक, इसके प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर नासिर हुसैन, डायरेक्ट किया था मंसूर खान ने। इसमें आमिर खान, जूही चावला, दिलीप ताहिर, गोगा कपूर, आलोक नाथ थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 60 लाख था। भारत में 4 करोड़ 60 लाख की कमाई की, दुनिया में 6 करोड़ की कमाई की बॉक्स पर सुपरहिट रही। अगली 1992 में आई थी जो जीता वही सिकंदर, इसका प्रोडक्शन और राइटर थे नासिर हुसैन, डायरेक्ट किया था मंसूर खान ने। इसमें आमिर खान, आशा जुल्का, दीपक तिजोरी थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ 60 लाख था। भारत में 4 करोड़ की कमाई की, दुनिया में 10 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1995 में अकेले हम अकेले तुम, इसको डायरेक्ट किया था मंसूर खान ने, स्टोरी राइटर थे नासिर हुसैन। इसमें आमिर खान, मनीषा कोइराला थे। इस मूवी का बजट 8 करोड़ था। भारत में 7 करोड़ 6 लाख की कमाई की, दुनिया में 12 करोड़ 37 लाख की कमाई की और फ्लॉप रही। ये इनकी लास्ट मूवी थी, इसके बाद इनकी कोई मूवी नहीं आई। तो फिर ये नासिर हुसैन सर जी का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। इनमें से कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस एक्टर
या डायरेक्टर या फिर एक्ट्रेस का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर फुल वीडियो वॉचिंग।